हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगी। तो हम साइंस का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और साइंस में हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। ओके, तो सिंपल सा चैप्टर है पर इसके कॉन्सेप्ट बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को। ओके, तो हम शुरू करते हैं फाइनली हमारा चैप्टर और नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग्स, इज इट ओके? तो हमें मैटर के बारे में पढ़ना है, मतलब मैटर इन आर सराउंडिंग्स, ठीक है? चलिए तो सुनिएगा ध्यान से। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस वर्ड से, मैटर से। मैटर का मतलब क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, जूनियर क्लासेस से हम इस वर्ड को समझ रहे हैं, मैटर को। और फिलहाल क्लास नाइन्थ में हम थोड़ा और डिटेल में थोड़े और कॉन्सेप्ट्स के साथ में समझेंगे, राइट? ठीक। तो मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे मैं एक गेस्ट के साथ में लिख रही हूँ कि शायद आपको अपने आसपास कोई टेबल दिखाई दे रही होगी, चेयर दिखाई दे रही होगी, आपके रूम में हो सकता है कि आपको टेलीविज़न भी दिखाई दे रहा हो, फैन भी दिखाई दे रहा हो। तो जितनी भी चीज़ें आपको आसपास अपने सराउंडिंग्स में दिखाई दे रही हैं, उन सारी ही चीज़ों को हम क्या बोला करते हैं? मैटर बोला करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो क्या जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, क्या ये एयर मैटर की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल है। क्या एयर भी मैटर की कैटेगरी में इन्वॉल्व है? येस इट इज। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इज इट ओके? तो फिर हम फाइनली किस तरीके से डिफाइन करें कि ये सारी चीज़ें मैटर की कैटेगरी में आती हैं, और क्या ऐसी भी कोई चीज़ बच जाती है जो मैटर की कैटेगरी में नहीं आती है, वो भी हमको देखना होगा, इज इट ओके? तो फिलहाल मैंने आपके सामने मैटर के कुछ एग्जाम्पल्स तो लिख दिए हैं, पर अभी तक हम डेफिनेशन इसकी क्लियर नहीं कर पाए हैं कि आखिर मैटर क्या होता है, इज इट ओके? तो देखिएगा मैटर की डेफिनेशन, सुनिएगा। मैटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनीथिंग, आपके आसपास की कोई सी भी चीज़, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो किसको कवर करती है? कोई ना कोई स्पेस कवर करती है। कोई ना कोई स्पेस कवर करती है मतलब कोई ना कोई जगह घेरती है, इज इट ओके? जैसे चेयर को रखने के लिए आपको आपके रूम में एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, वो एक स्पेस कवर करके रखती है, बिल्कुल, इज इट ओके? तो बस वही लिखा हुआ है मैंने। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस हैज सम मास इन इट, क्या प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर? कुछ मास भी होना चाहिए। तो क्या टेबल का कोई मास होता है? बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। छोटी टेबल है तो हो सकता है 5 kg हो, बड़ी टेबल है तो हो सकता है 10 kg हो, मतलब मास होता है क्या? बिल्कुल होता है, इज इट ओके? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैज सम मास एंड, और भी कुछ है क्या? बिल्कुल और भी कुछ है। एंड कैन बी फेल्ट, जिस चीज़ को आप फेल्ट, कैन बी फेल्ट बाय एनीवन, किसी के थ्रू भी फील की जा सके, इज इट ओके? दैट इज नोन एज मैटर। तो हम पूरी कर देते हैं, डेफिनेशन इज नोन एज मैटर, इज इट ओके? ये है भाई मैटर की डेफिनेशन। तो मैटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो कोई ना कोई स्पेस कवर करे, कोई ना कोई जगह आपके सराउंडिंग्स में घेरे, हैज सम मास, मतलब उसका कोई ना कोई मास हो। वेइंग मशीन पे आप उसे रखो तो 1 kg, 2 kg, 100 kg और वॉट एवर द वैल्यू इज, कोई ना कोई उसका मास होना चाहिए। एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीवन, और आप उस चीज़ को फील कर पाओ। जैसे मेरे सामने बोर्ड है तो मैं इसे जब टच कर रही हूँ तो मुझे कुछ हार्ड फील हो रहा है, इज इट ओके? आप चेयर को टच करोगे तो आपको कुछ फील होगा, इज इट ओके? इवन जब जोर से चलती हुई एयर भी आपकी बॉडी से टकराती है तो
तो भी आपको कुछ फील होता है, इज इट ओके? तो ये तीनों पॉइंट अगर किसी भी कैटेगरी में आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और मैटर के एग्जाम्पल्स हमने अभी थोड़ी देर पहले भी लिखे थे, दोबारा मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखने जा रही हूँ। जैसे एयर मैटर है क्या, हम इस बात को प्रूव कर देते हैं कि क्या एयर की डेफिनेशन इन सारे पॉइंट्स को कवर करती है। क्या एयर की डेफिनेशन के हिसाब से जो एयर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है? क्या लगता है आपको, स्पेस को एयर ऑक्यूपाई करती है या नहीं? इस बात को हम एक बलून के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से एक बलून खरीद के लाए और फिलहाल आपने अभी इसमें एयर फिल नहीं करी है, तो फिलहाल इसने जगह बहुत थोड़ी सी कवर कर रखी है। और अब इसी बलून में, ये बलून की रस्सी, और आपने इसमें फिल कर दी एयर, तो एयर फिल करते ही इस बलून का साइज बिग हो जाएगा। मतलब क्या एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है? बिल्कुल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इज इट ओके? दूसरी बात, क्या इसके अंदर मास प्रेजेंट होता है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम। और बहुत ही आसान है, आपको वेइंग मशीन थोड़ी बढ़िया वाली चाहिए होगी, नॉर्मल नहीं, जिस पर आप वो सुई के हिसाब से वेट मेजर करते हैं, नॉट दैट वन, डिजिटल वेइंग मशीन इज़ रिक्वायर्ड। और अगर उस वेइंग मशीन पे आप इन दोनों बलून्स को रखेंगे तो जो इसका मास है बिना एयर वाले बलून का, इसका मास कम होगा, और इस एयर वाले बलून का जो मास है इसका मास ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि एयर के अंदर मास होता है क्या, तो हमें पता लग गया कि यस, इट हैज सम मास इन इट। अच्छा, तो तीसरा जो पॉइंट है, क्या आप एयर को फील कर सकते हो? बिल्कुल, हम एयर को फील कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, इज इट ओके? जैसे आप अपने रूम का फैन ऑन करते हो तो एयर जोर से मूव करना शुरू कर देती है और आपकी स्किन उसको फील कर पाती है, बिल्कुल फील कर पाती है। तो क्या एयर मैटर है? बिल्कुल, प्रूव हो गया कि एयर भी मैटर है। मतलब मैटर की कैटेगरी में आने के लिए किसी भी मटेरियल को, जिसको आप मैटर बोलना चाहें, उसके पास में कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए? तीन कैरेक्टर्स होने चाहिए। तीनों में से कोई एक हो तो चलेगा? नहीं, तीनों एक साथ होने चाहिए। कौन से तीन कैरेक्टर? फर्स्ट, इट शुड ऑक्यूपाई सम स्पेस इन द सराउंडिंग्स। सेकेंड, इट शुड हैव सम मास। एंड थर्ड, इट कैन बी, इट शुड बी फेल्ट बाय एनीवन। आप उसको फील भी कर पाओ। आई बात समझ में? तो हमने यहाँ पर मैटर का एक एग्जाम्पल लिखा है, और बहुत सारे मैंने आपको साथ में बताए भी थे, जैसे टेबल, चेयर, डोर, वाटर, ग्लास, कंटेनर, बॉटल, वॉट एवर इट इज़ इट ओके? ईच एंड एवरी थिंग इज़ इन्वॉल्व इन द कैटेगरी ऑफ मैटर। सारी चीज़ें किसकी कैटेगरी में आती हैं? मैटर की कैटेगरी में, इज़ इट ओके? तो चलिए, ये मैटर की डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हुई है, आप इसे देख लें, एग्जाम्पल याद रखें, और दो तीन और भी लिखें, और साथ में इनकी ये तीनों पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, इज़ इट ओके? तो ये हमने पढ़ा मैटर और मैटर की डेफिनेशन। अब क्या ऐसी कोई चीज़ का नाम आप मुझे बता सकते हैं जिसे आप बोलें कि भाई ये तो मैटर का एग्जाम्पल नहीं है, है ना? इस वाली चीज़ को, इस पर्टिकुलर थिंग को हम मैटर नहीं बोल सकते। चलो, तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं, है ना? तो जैसे कि मैंने बोला कि आपका एंगर, आपका गुस्सा, इज इट ओके? है ना, आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, ओके? तो क्या ये जो आपका गुस्सा है ये मैटर है? क्या ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर, कि भाई जब आपको गुस्सा आता है तो आप, है ना, आपकी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जब गुस्सा खत्म हो जाता है तो बॉडी का वॉल्यूम कम हो जाता है? क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये जो एंगर है ये क्या कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो स्पेस है इसके अंदर? नहीं। क्या इस एंगर के अंदर कोई मास प्रेजेंट है? भाई गुस्सा आए तो बॉडी मास बढ़ जाए, और गुस्सा खत्म हो जाए तो बॉडी मास भी कम हो जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इस एंगर के अंदर कोई मास होता है? नहीं होता, इज इट ओके? अब रही बात फील कर पाने की,
तो आप इसे ऐसे तो फील कर सकते हैं साइकोलॉजिकली, पर क्या कोई ऐसे टच करके देख सकता है किसी बॉडी को कि हाँ भाई इसके अंदर आज एंगर है और इसके अंदर नहीं है? नहीं, मतलब फिजिकली इट कांट बी फेल्ट, इसे फिजिकली फील भी नहीं किया जा सकता। मतलब दिस एंगर, इसी तरीके से कुछ और भी आपके इमोशंस, इज इट ओके, जैसे भाई आज आप बहुत हैप्पी हो, तो क्या आप इसे मैटर बोल सकते हो? नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी ये तीनों चीज़ें, ये तीनों पॉइंट्स प्रेजेंट नहीं हैं। इज इट ओके? मतलब ये जो हमारे इमोशंस हैं, इसको आप मैटर नहीं बोल सकते। बात समझ में आ गई? तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मैटर किन चीज़ों को बोला जा सकता है और किन चीज़ों को बोला नहीं जा सकता है। इज इट ओके? चलिए, तो हम इसी मैटर के बारे में पढ़ेंगे, और चैप्टर का नाम ही मैटर इन आर सराउंडिंग्स है, तो पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ आपको मैटर ही पढ़ना है। तो चलिए इस मैटर को हम थोड़ा और पढ़ते हैं। अब हम इस मैटर को क्लासिफाई करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं इसके पार्ट्स में। और जब इस मैटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो दिस क्लासिफिकेशन हैज़ टू बी डन ऑन द टू बेसिस। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन हम कौन सा करने वाले हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। और ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है मैटर का, दिस इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इज इट ओके? किस हिसाब से किया जाता है मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन? फिजिकल स्टेट के हिसाब से किया जाता है। तो अगर मैटर को फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफाई किया जाए, तो उस क्लासिफिकेशन को हम कौन सा क्लासिफिकेशन बोलते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन। एंड ऑन दिस बेसिस दिस मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है इस मैटर को फिजिकल स्टेट के हिसाब से? थ्री कैटेगरीज में। और ये कौन सी थ्री कैटेगरीज हैं, सुनिएगा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट टाइप ऑफ मैटर इज सॉलिड, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर इज सॉलिड, या फिर आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड। इज इट ओके? सेकेंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज लिक्विड, ओके? एंड थर्ड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज गैसेस। So on the basis of physical state, on the basis of physical classification, this matter can be classified into these three categories: solid, liquid and gas. Is it okay? Solid के example आप जानते हैं क्या? बहुत सारे example होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, table हो गया, chair हो गया। These are the examples of solid state of matter, and a lot of many more examples are there for this solid state. We are not at all able to write down each and every example of this solid state, right? Now we want to write down some examples for the liquid state. कौन सी स्टेट के लिए हम examples लिखना चाहते हैं? Liquid state के लिए। लिख सकते हैं क्या आप? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए फिलहाल तो मैं लिख देती हूँ लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल्स। लिक्विड स्टेट का एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा वाटर। वाटर लिक्विड है क्या? बिल्कुल लिक्विड है। ऑयल, क्या ये भी लिक्विड है? बिल्कुल लिक्विड है। आपकी बॉटल, परफ्यूम्स की बॉटल में फिल्ड परफ्यूम, क्या ये भी लिक्विड है? बिल्कुल लिक्विड है। क्या और भी एग्जाम्पल होते हैं लिक्विड स्टेट के? बहुत सारे। हमने यहाँ पर दो तीन लिख दिए हैं, आप इन दो तीन एग्जाम्पल्स को याद रखें, बाकी आप अपनी मर्जी से और भी लिख सकते हैं, ठीक है? फिर जो नेक्स्ट फिजिकल स्टेट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं गैसेस। इज इट ओके? क्या गैसेस के भी ढेरों एग्जाम्पल हैं? ढेरों। अगर बात हम अपनी सिर्फ एयर की ही कर लें, जिस एयर में आप रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं, तो उसमें ही ढेरों गैसेस प्रेजेंट हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है हमारी एयर में, वो नाइट्रोजन। अब अगर आप इसकी इम्पॉर्टेंस जानना चाहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो देयर इन क्लास 9 साइंस ओनली, पर हम इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैस, दिस इज ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का क्या यूज़ है ये तो आपको पता ही है, इट इज़ यूज्ड फॉर द ब्रीथिंग पर्पस, नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन वंस, इवन फॉर ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग, इज इट ओके। क्या और भी गैसेस प्रेजेंट हैं हमारी एयर में? बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो देयर। और भी हैं क्या? और भी हैं, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, हम यहाँ एक्सेट्रा लिख देते हैं। आ गई बात समझ में? तो हमने देखा कि मैटर का जब फिजिकल स्टेट के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड, सम एग्जांपल्स आर रिटन हियर, सेकंड फिजिकल स्टेट इज लिक्विड, अगेन सम एग्जांपल्स आर हियर, एंड थर्ड फिजिकल स्टेट इज गैसेस, अगेन सम एग्जांपल्स आर रिटन हियर इन फ्रंट ऑफ यू, इज इट ओके। क्या किसी और तरीके से भी मैटर को डिवाइड किया जा सकता है? बिल्कुल, और भी तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। ये तो क्लासिफिकेशन हमने फिजिकल स्टेट के हिसाब से किया था, और जो सेकंड क्लासिफिकेशन हम मैटर का करने जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल स्टेट, दिस सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल कंपोजिशन क्या है उस हिसाब से हमने मैटर को दोबारा से क्लासिफाई कर रखा है, और ये जो मैटर का सेकंड क्लासिफिकेशन है एज इट इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी, तो हम इस क्लासिफिकेशन को मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कौन सा क्लासिफिकेशन बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, विच इज़ बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। जो किस हिसाब से किया गया है? ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से किया गया है, ये वाला क्लासिफिकेशन, इज़ इट ओके। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये आपको केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में पढ़ना है, और चैप्टर 1 जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये वाला, इसमें आपको मैटर का सिर्फ फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना है, विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पर फिर भी इंट्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन तो कर लेते हैं। तो व्हेन मैटर इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज देन द क्लासिफिकेशन इज नोन एज केमिकल क्लासिफिकेशन, एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स अगेन, एंड दीज थ्री पार्ट्स आर एलिमेंट्स, सेकेंड इज कंपाउंड्स, एंड थर्ड इज मिक्सचर, इज इट ओके। मैं ना तो आपको इन तीनों के एग्जाम्पल्स बताऊंगी और ना ही यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये हमारे सेकेंड चैप्टर का हिस्सा है, तो हम इस सेकेंड चैप्टर में ही समझेंगे इसको, इज इट ओके। बस आप जान लें कि दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज पॉसिबल इन दिस वे ऑल्सो, ओके। तो चलिए, हमें मैटर के बारे में ये तो पता लग गया कि मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिसको अब हमें फुल डिटेल में पढ़ना है, एंड दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इज इट ओके। चलिए तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और हम मैटर के कौन से क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि हम मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं फुल डिटेल में, अकॉर्डिंग टू विच मैटर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री स्टेट्स, वन इज सॉलिड, अनदर इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। गैस भी लिख सकते हैं, गैसेस भी लिख सकते हैं, इज इट ओके। अब हमें क्या पढ़ना है नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है वो सुनिएगा। अब हमें पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक, किसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं आपको? आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, मैटर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, आखिर क्या क्या खास बातें प्रेजेंट होती हैं मैटर के अंदर, इज इट ओके। चलिए तो जानने की कोशिश करते हैं, और फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर इस फर्स्ट पॉइंट को समझेंगे भी सही। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट पॉइंट मैटर,
ऑल द मैटर, है ना। ये जब मैटर लिखा जा रहा है यहाँ पर तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे मैटर की बात हो रही है। जितने भी मैटर आपके आसपास प्रेजेंट हैं या जितने भी मैटर आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी मैटर, इज इट ओके। तो ये जो मैटर का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? क्या वास्तव में मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है? जरा अपने घर के विंडो पेन्स को देखिए, इज इट ओके, जो कांच का एक पर्टिकुलर ग्लास शीट अपने हाथ में लेकर के देखिए। अगर हम इस कांच के इस पर्टिकुलर ग्लास शीट को आप अपने हाथ में लेकर के देखें तो कैसा लगता है? क्या आपको इस ग्लास शीट को देख कर के, ये जो ग्लास शीट हमने ली है, इसको देख कर के ऐसा फील होता है कि ये किसी छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है? नहीं, हमें तो ऐसा फील नहीं होता। हमें तो लगता है समथिंग इज कंटिन्यूअस, कोई पूरी की पूरी चीज़ सामने रखी हुई है। तो फिर कैसे ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिख दिया गया और हमने इसको मान भी लिया, हम इसे याद भी रखते हैं, पढ़ते भी हैं और एग्जाम्स में लिखते भी हैं कि मैटर जो है वो किससे मिलकर के बना है? इट इज़ मेड विद द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और चलो ऐसा जानने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट पॉइंट को हम एक छोटा सा काम करते हैं। ये कांच की ग्लास शीट देखकर तो हमें नहीं पता लग रहा कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। तो ऐसा करते हैं कि मान लो कि हमारे हाथ से ये कांच की जो शीट है ये गिर जाए और टूटेगी या नहीं टूटेगी? बिल्कुल टूटेगी। मानो कि आपको इसके ये ऐसे टुकड़े मिले, इज इट ओके, कोई छोटा कोई बड़ा और कोई ऐसा और कोई ऐसा, इज इट ओके। अब आपने इसके किसी एक पीस को लिया और हैमर होता है ना, हैमर, हथौड़ा जिसे हम बोलते हैं, इज इट ओके, इससे आपने इसको और मारना शुरू कर दिया, इज इट ओके, और मारते गए और छोटे छोटे पीसेस मिले। पता लगा कि जितना मारते, अच्छा ऐसा काम मैं बता तो रही हूँ पर आप घर पे करना मत, शुरू कर देना, ये कांच है इससे लग सकती है आपके, इज इट ओके, तो करना नहीं है, सिर्फ सुनना है और समझना है, इज इट ओके। तो जब आपने इसको हैमर से और ज़्यादा छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो आपको और छोटे छोटे पार्टिकल मिल गए। और विद दिस एक्सपेरिमेंट इट इज़ प्रूव्ड, क्या प्रूव हो चुका है? ये प्रूव हो चुका है कि जो मैटर है ये किससे मिलकर के बना है? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। आपके हाथ से अगर ग्लास गिरा तो पहले थोड़े छोटे पीसेस हुए, आपने अगर उसको थोड़ा और हैमर से बीट किया तो आपको और छोटे पार्टिकल्स मिल गए। मतलब इट इज़ प्रूव दैट मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल। मैटर किससे मिलकर के बना है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बना है, इज इट ओके। क्या इन छोटे पार्टिकल्स को हमने साइंस में कोई नाम दे रखा है केमिस्ट्री में? बिल्कुल, हम सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे हमारी केमिस्ट्री में, हमने इन स्मॉल पार्टिकल्स को नाम भी दे रखा है। दीज स्मॉल पार्टिकल्स मे बी एटम्स एंड मे बी मॉलिक्यूल्स। इन छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल, ये दो नए वर्ड मैंने भी आपके सामने लिखे, ये इतने नए तो नहीं हैं, जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, और अगर आपको फिर भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इन पॉइंट्स को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को फुल डिटेल में पढ़ेंगे बट नॉट इन दिस फर्स्ट चैप्टर, इज इट ओके, हम इनको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हमको जो पॉइंट समझ में आया वो क्या समझ में आया कि ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर नोन एज आइदर एटम्स और मॉलिक्यूल। कोई कोई मैटर एटम से मिलकर बना होता है और कोई कोई मैटर मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बना होता है। अब हमें ये जानना है कि ये वेरी स्मॉल क्यों लिखा है? क्या वास्तव में ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं?
क्या ऐसा होता है? बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल? कैसे पता लगे कि ये पार्टिकल वास्तव में छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? ये हमको यहाँ पर जानना है। तो चलो जानने के लिए क्या किया गया देखिए। जानने के लिए हमने मेरे पास में मैंने ये टेस्ट ट्यूब बना दी है। आप चाहें आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं है तो चलेगा, जो भी है कंटेनर, ग्लास, मग, व्हाटएवर इट इज़। मान लीजिए कि आपने इसमें लिया 10 ml वाटर। क्या लिया आपने इसके अंदर? 10 ml वाटर लिया। और इस 10 ml वाटर प्योर वाटर है ना, बिल्कुल नॉर्मल वाटर है ना। प्योर का मतलब RO का पानी लें तो ही एक्सपेरिमेंट होगा, ऐसा नहीं है, कोई सा भी पानी लें चलेगा, ठीक है। और इस 10 ml वाटर के अंदर आपने एक चीज़ डाली। देखो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, फॉर्मूला अगर आपको खतरनाक लग रहा है तो मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ। नाम हम लिख देते हैं, इसका नाम है ये जो यहाँ पर सिंबॉलिक लिखा गया है KMnO4, इसका नाम होता है पोटेशियम पर मैगनेट। क्या नाम होता है इसका? पोटेशियम पर मैगनेट, KMnO4, इज इट ओके? और ना तो फिलहाल आपको इसका नाम याद रखने की ज़रूरत है और ना फॉर्मूला, बस इतना सा याद रखें कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट इसमें मिलाया गया था, ये कितना मिलाया आपने इसमें? सिर्फ 1 ml। और मैं आपको बता दूं कि ये पोटेशियम परमैंगनेट कौन से कलर का होता है? पर्पल कलर का। कौन से कलर का होता है? पर्पल। और ये पर्पल कलर जब आपने इसमें मिलाया तो देखा कि ये तो सॉल्यूशन ही पूरा पर्पल हो गया। कैसा? डार्क पर्पल हो गया। अच्छी बात है। इसका मतलब कि सिर्फ 1 ml पोटेशियम परमैंगनेट ने 10 ml वाटर को कैसा कर दिया? पर्पल कर दिया। इज इट ओके? अब इसमें से आपने, इस वाले कंटेनर में से आपने 1 ml सॉल्यूशन निकाला। कितना निकाला? 1 ml। और इस 1 ml सॉल्यूशन को दोबारा से एक कंटेनर लिया और इसमें कितना पानी भरा? सेम। कितना पानी भरा आपने? 10 ml। इज इट ओके? और 1 ml सॉल्यूशन इसमें से कौन से कलर का? इसमें सॉल्यूशन पर्पल कलर का। किसने पर्पल करा इसको? पोटेशियम परमैंगनेट ने। इसका 1 ml निकालकर आपने दोबारा से क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर में ऐड कर दिया। ऐड करने से दोबारा इसका कलर कैसा हो गया? पर्पल। क्या इतना ही डार्क पर्पल जितना यहाँ पर मिला था? नहीं, इससे थोड़ा लाइट तो हुआ, पर फिर भी कलर आपको कौन सा मिला? पर्पल कलर ही मिला आपको दोबारा से, सेम। इज इट ओके? ठीक है। अब आपने क्या करा? अब आपने ये किया कि आपने दोबारा से एक कंटेनर लिया और इसमें कितना पानी फिल करा? सेम अमाउंट। कितना? 10 ml। क्या फिल करा है आपने? 10 ml, 10 ml वाटर। कैसा वाटर? ट्रांसपेरेंट। इज इट ओके? तो अब इसमें से दोबारा 1 ml लेंगे आप और दोबारा से इसमें डाल देंगे, पता पड़ा कि इसका कलर भी कैसा हो गया? पर्पल। कंपैरेटिवली पर्पल कैसा था? लाइट पर्पल था, पर था तो पर्पल। आई बात समझ में? मतलब ये जो आपका सिर्फ 1 ml पोटेशियम परमैंगनेट है, पहले इसने इसको पर्पल कलर प्रोवाइड करा, फिर इसको प्रोवाइड करा और फिर इसको भी पर्पल कर दिया। आई बात समझ में? मतलब सिर्फ 1 ml पोटेशियम परमैंगनेट इतने सारे पानी को कौन सा कलर प्रोवाइड कर पा रहा है? पर्पल कलर प्रोवाइड कर पा रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का आपने सिर्फ 1 ml जो लिया था, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट। इतने सारे मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हैं कि ये इतने सारे पानी को कौन से कलर का बना पा रहा है? पर्पल कलर का। मतलब डेफिनेटली अगर 1 ml में इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स का साइज कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेरी स्मॉल। और इस वेरी स्मॉल का अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं? देखिएगा, इसका अंदाज़ा मैं आपको एक नंबर लिख करके बता रही हूँ, उससे लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास में सिर्फ 1 drop प्रेजेंट है। किसकी 1 drop? 1 drop ऑफ वाटर। 1 drop का मतलब समझते हैं ना, पानी की सिर्फ एक बूंद है आपके पास में। अगर हम इसमें नंबर ऑफ
वाटर मॉलिक्यूल्स जानना चाहें तो जान लीजिए आप, मैं लिखकर बता देती हूँ आपको। अप्रॉक्सीमेटली इस वन ड्रॉप के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10^21। 10^21 का मतलब तो समझते हो ना, वन के पीछे 21 जीरोज लगेंगे, लगाते रहिएगा आप घर पे बैठ करके, इज इट ओके? मतलब एक ड्रॉप के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? इतने सारे। जब एक ड्रॉप में ही इतने सारे मॉलिक्यूल्स आ गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आखिर इस पानी के मॉलिक्यूल का साइज कितना छोटा होता होगा, इज इट ओके? तो इन दोनों बातों से हमको फर्स्ट कैरेक्टर तो मैटर का क्लियर हो गया कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर आइदर नोन एज एटम्स और समटाइम्स दे कैन ऑल्सो बी नोन एज मॉलिक्यूल्स। कुछ और भी बातें हैं मैटर की, कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं मैटर के, बट दैट विल बी सीन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम उनको, इज इट ओके? तो इतना पढ़िएगा आप, बाय एवरीवन।